देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर के निर्देशानुसार जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के हरिशंकर तिवारी अध्यक्ष गुलाम जिलानी के नेतृत्व में प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में भाजपा सरकार के खिलाफ शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा मनमाने तरीके से लोकतंत्र की हत्या किए जाने के विरोध में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के प्रजातंत्र बचाओ में धरना प्रदर्शन किया गया। क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आज कर्नाटका में जिस तरह भाजपा सरकार इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। कल इसी संदर्भ में पुतन नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया था और आज स्थानीय गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी के सामने जिनने इस भारत देश में नैतिकता और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च नौछावर किया उनके चरणों में बैठ के आज हम इस हत्यारी लोकतंत्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसके विरोध में आज हम धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार अपनी ताकत के बल पर अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में जीत के आई है उनको मौका न देकर अपनी चहेती सरकार को वे मौका दे रहे हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों में जहां पर गठबंधन अधिक है वहां पर भी इनकी सरकारों ने अपनी ही सरकारों को मौका दिया है। हर जगह पर अपनी तरह से कानून बना रहे हैं, अपनी तरह से कानून तोड़ रहे हैं। पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, इसके विरोध में आज हम स्थानीय गांधी पार्क फिरोजाबाद में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में माननीय सतीश चंद्र नेताजी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के PCC मेंबर के नेतृत्व में आज हम यहां पर धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं इस हत्यारी सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या करी है उसे तुरंत बर्खास्त। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।